हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? चलिए आप सबको बताते हैं कि इस पौधे की महत्वपूर्ण बातें। चलिए आपको बताते हैं इस पौधे के नाम क्या है, इस पौधे से हमें क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है। चलिए आपको बताते हैं, इस पौधे का नाम है कटेरी, करी इत्यादि। हमारे झारखंड राज्य में हम खुल काटा भी के नाम से भी जानते हैं, इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये देखिए, यहाँ पे इस कांटे व इस पौधे में नीले कलर के पुष्प होते हैं, इसके छोटे बड़े बीज होते हैं। इस बीज से हमें बहुत प्रकार के औषधि गुण हमें मिलती है, बीमारियों से जूझने से हमें बचाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फल किस प्रकार के होता है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार के फल होते हैं, बैंगन की तरह फल होते हैं। इस यहाँ पर कांटा अधिक होते हैं, यहाँ पे कोई टच नहीं कर सकता है। अगर यदि यहाँ पे कोई गलती से टच करता है, बहुत जो कांटा चुभता है। संभल कर हमें इस पौधे से फल को तोड़ना पड़ता है। यहाँ पे कांटे, पत्ता सहित फल के डंटी में भी कांटा है, पूरा इलाका, पूरा इस पौधे में कांटे हैं। चलिए आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर यह फल है। मुझे बहुत कष्ट करना पड़ रहा है, तब जाके मैं यहाँ पर फल को देख पा रहा हूँ। देखिए बैंगन की तरह है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से भटकतैया के फल होते हैं, इसके पुष्प नीले कलर के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रजाति में होते हैं, जिसका एक दूसरा है उसका सफ़ेद कलर में पुष्प होता है, फूल होता है, या नीला कलर में है। यह देखिए यह फल है, इसी फल से हमें दवाई बनाना है। चलिए आपको बता, इससे क्या क्या बीमारियों से दूर रखा जाता है, चलिए आपको पूरा बताते हैं। इस पौधे के फल से हमें दांत दर्द, पेट दर्द, पीत, पथरी, पाचन शक्ति, सिर दर्द इत्यादि औषधि गुण है इस बीज में। जब दांत में दर्द, कीड़ा सूजन हो जाए, तो इसी के बीज को, जो फल है सूखा हुआ फल, उसी को हम लोग उपयोग करते हैं और हम लोग अपना इलाज करते हैं। इसी प्रकार से आप भी इलाज कीजिएगा। आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पूरा देखिएगा। देखिए यह फल, देखिए मैंने चार फल तोड़ लिया हूँ। इसी प्रकार से आप भी फल को तोड़ लें। अभी ये फल हरा है, पूरा बैंगन की तरह कच्चा है, इसलिए हमें इसे कुछ दिनों तक इसे सुखाना पड़ेगा, उसके बाद हमें दवा बनाना होगा। चलिए आपको बताते हैं, इस पौधा के बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से पहचान सकते हैं कि किस प्रकार के बीज है, पौधे हैं, किस प्रकार उसके पुष्प उगते हैं, किस प्रकार के फल होते हैं। आप पूरे इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हैं। चलिए आपको पूरा आगे और बताते हैं डिटेल से। ये पौधे जंगल झाड़ी में उगते हैं, बरसात के मौसम में अधिकतर उगे जाते हैं, या अभी गर्मी की महीना है, गर्मी की मौसम है, इसलिए कहीं जहाँ तहाँ आपको देखने को मिलेगा। हमें एक जगह मिला, बहुत खोजने के बाद मिला, तभी आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं। यह झारखंड राज्य में, हमारे झारखंड राज्य में यह बहुत सारी जंगल झाड़ी है, यहाँ पर तरह तरह के पहाड़ हैं, तो इस पहाड़ों के बीच उगे जाते हैं इस पौधे। औषधि गुण इसी में है, इससे बहुत प्रकार की बीमारी से दूर करता है, इसका नुकसान नहीं है। यह हर एक व्यक्ति को ठीक कर चुका है। इस वीडियो से आपको सीख मिल रहा है, और आपको बताना चाहते हैं कि यह शरीर की किसी भी पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए इसी का उपयोग कीजिए। और सिर दर्द अगर जोरों जोरों से दे रहा है, बहुत कष्ट हो रही है, तो आप इसके बीज को लें और उसे कुछ
कुछ दिनों तक सुखा लें। उसके बाद इसे पीस के उसे खाने के बाद आप देखिएगा कि आपको सिर दर्द कम हो रहा है या नहीं। अगर एक बार इसका सेवन करने से अगर आपको ठीक हो जाए तो आप एक बार इसका सेवन कीजिएगा तो अनेक प्रकार के बीमारियों से मुक्त रहिएगा। किस प्रकार की बीमारियों, जैसे पाचन शक्ति में कमी, सिर दर्द, पथरी, पेट दर्द, पीठ, दांत दर्द इत्यादि। इस प्रकार से बीमारियों से आप मुक्त रहिएगा। चलिए, आपको आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा। जितना हो सका मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश किए हैं, बतलाने की कोशिश किए हैं। आई होप अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह अधिक से अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हम वीडियो आप सभी तक लाते रहेंगे।